नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित और हम हाजिर हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरें लेकर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जोगाराम जयपुर के नए जिला कलेक्टर बने हैं। आपको बता दें कि 7 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसके तहत जोगाराम को जयपुर का जिला कलेक्टर बनाया गया है, जो इससे पहले भरतपुर के जिला कलेक्टर थे। ऐसे में कलेक्टर जोगाराम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन के अधिकारियों की अगुवानी में जयपुर कलेक्टर का पदभार संभाला। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर जोगाराम ने सभी अधिकारियों से परिचय लिया और आमजन की सहायता के लिए कामकाज करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि जयपुर के निवर्तमान जिला कलेक्टर जगरूप सिंह पिछले सप्ताह सेवानिवृत्त हो गए थे। इस आदेश के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक नथमल डिडेल भरतपुर के नए जिला कलेक्टर होंगे। इस बाजार जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आज जोगाराम जी ने जयपुर कलेक्टर का पदभार संभाला है, क्या कुछ इस मौके पर उन्होंने कहा, क्या कुछ उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी? बिल्कुल, कलेक्टर जोगाराम ने जो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं 4:30 बजे अपना पदभार संभाला है। लगातार वो एडीएम एचएम जो संबंधित प्रशासन के अधिकारी है उनकी मीटिंग ले रहे हैं। फिलहाल अभी उनके जो ऑफिस है वहां पर जो पेंडिंग जो मामले हैं और जो प्रोसेस में चल रहे हैं मामले, उनकी वो एक तथ्यात्मक रिपोर्ट उन्होंने मंगाई है। फिलहाल तमाम अधिकारी उनके ऑफिस में मौजूद है, वो उनकी मीटिंग ले रहे हैं, साथ ही 1-to-1 हो रहे हैं। क्योंकि अब कई अधिकारी है, चाहे छोटा लेवल का हो चाहे बड़ा लेवल का, तो कलेक्टर खुद मुखातबित हो रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जयपुर कलेक्टर का पद है वो बड़ा अहम है, क्योंकि इसका जो इलाका है वो बड़ा ही विशाल है, जहाँ पर तमाम जो अधीनस्थ ब्यूरोक्रेट्स है वो पूरी सरकार यहाँ जयपुर का इलाका है, जहाँ पर सारे लोग बैठते हैं। तो अहम जयपुर कलेक्टर पद माना गया है और जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात करें वो भी बड़ा है, तो इस लिहाज से एक अहम जिम्मेदारी है। लगातार अभी कलेक्टर यहाँ पहुंचे हैं, लगातार अभी इनपुट ले रहे हैं, साथ ही यहाँ पर जो अधीनस्थ अधिकारी है उनसे अभी 1-to-1 चल रहा है और क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से कार्यशैली रहेगी, ये धीरे धीरे उनके जो प्रयासों के जो लगातार आज इन्होंने ज्वाइन किया, आगे वाले आने वाले समय में इनके कामकाज का जो भी तरीका है वो आगे मिलेगा। जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जोगाराम ने आज जयपुर कलेक्टर का पदभार संभाला है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भूमि घोटाला मामले में पूछताछ की। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हुड्डा से गुरुग्राम भूमि घोटाला मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA की धाराओं के तहत पूछताछ की गई है। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने इस साल जनवरी में CBI की FIR के आधार पर हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जनवरी 2019 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने हुड्डा के वरिष्ठ नौकरशाहों और प्रमुख बिल्डरों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया था। 27 अगस्त 2004 को तत्कालीन इनेलो सरकार ने गुड़गांव के मानेसर, नवरंगपुर और लखनौला में 912 एकड़ जमीन पर IMT बनाने के लिए सेक्शन 4 का नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बाद आई तत्कालीन कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने IMT को रद्द कर 25 अगस्त 2005 को रद्द कर सेक्शन 6 का नोटिस जारी कर दिया। जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा 25 लाख रुपए तय हुआ था। सरकार ने अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन इससे पहले बिल्डर्स ने किसानों को अधिग्रहण का डर दिखाकर 400 एकड़ जमीन औने पौने दामों में खरीद ली। इसी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता OP शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
ओपी, आज जो जमीन घोटाले में पूछताछ हुई है, 4 घंटे ये पूछताछ चली है, क्या कुछ इसमें निकल कर आया है, क्या कुछ इसमें तय हुआ है? देखिए मानु, ये 2004 का मामला है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम में मानेसर, नौरंगपुरा और नौलखा 3 गांवों की करीबन कई एकड़ जो जमीन है वो अधिग्रहित की थी और इसके लिए बकायदा सेक्शन 4 भी लागू कर दिया था और बाद में सेक्शन 6 जो अवार्ड से संबंधित होता था वो भी सरकार ने कर दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने उसने 400 एकड़ भूमि को छोड़ते हुए उसके ऊपर सेक्शन 6 हटा लिया और लेकिन सेक्शन हटाने से पहले जितने भी किसान थे उन्होंने अपनी जमीन कम रेट के डर के चलते जो है बिल्डर्स को भेज दी थी, लेकिन जैसे ही वो जमीन बिल्डर्स के हाथ में आई तो जमीन करोड़ों रुपए की होगी। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे ये केस करीबन 2016 में सीबीआई ने रजिस्टर्ड किया था और तब से ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। पिछली इसी साल 29 जुलाई को भी इस मामले में पूछताछ हुई, आज फिर उनसे पूछताछ हुई है, हालांकि पूछताछ का अभी तक तो ब्यौरा नहीं आ पाया, लेकिन कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी का जो जोनल कार्यालय चंडीगढ़ में वहां से नोटिस मिला था और उनको बुलाया गया था, तो बकायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा शाम को पहुंचे तो रात 10 बजे जो है वो ईडी कार्यालय चंडीगढ़ में पहुंच गए, तो करीबन 4 घंटे की पूछताछ उनसे की, बकायदा क्वेश्चनियर था, बताए जा रहे हैं कि इसमें करीबन 70 से 80 जो सवाल थे उनके लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जवाब मांगा गया है। जी बानो जी, ओम प्रकाश, अब तक कितनी बार उनसे इस मामले में पूछताछ हो चुकी है या सीबीआई ने कभी इस मामले पर किसी निष्कर्ष पर पहुंची? देखिए मानो, इस पूरे मामले में पंचकुला सीबीआई कोर्ट में बकायदा कोर्ट केस भी चल रहा है, करीबन 1200 पेज की एक जो चार सीट है वो बकायदा जो है इस मामले में फाइल हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ तथ्यों के आधार पर सीबीआई सीबीआई कुछ पूछताछ कर रही है और इस केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानेसर लैंड घोटाले में पेशी से व्यक्तिगत तौर पर भी छूट मिली हुई है और वो इसी कारण मिली हुई है कि उन्होंने कोर्ट में ये कहा था कि जब भी उन्हें सीईडी और सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी वो हाजिर हो जाएंगे। तो करीबन अब तक जो है ये चौथी बार है जो उनसे ये पूछताछ की जा रही है। जी मनु जी, ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की गई है, मानेसर जमीन घोटाले में उनसे 4 घंटे तकरीबन पूछताछ की गई। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अजन गांव सुरजी में महिला अपराध को लेकर लोगों का गुस्सा चरम पर है। हैदराबाद की महिला डॉक्टर पर गैंगरेप कर जिंदा जलाने के मामले को लेकर जमाते इस्लामी हिंद और जिजाऊ ब्रिगेड ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। आए दिन देश भर में छोटी छोटी बच्ची, युवती, महिलाओं पर अत्याचार किए जाने की घटना उजागर हो रही है। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में महिला डॉक्टर पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की सनसनीखेज घटना से पूरा देश दहल गया है। उन दोषियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर जमात इस्लामी हिंद और जिजाऊ ब्रिगेड अजन गांव सुरजी की महिलाओं ने तहसीलदार और एसडीओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया है। सभी बहनों की तरफ से वहाँ के हमारे हम लोग सब यहाँ जमा हुए हैं, जो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ में जो दिल दहलाने वाला वाकया हुआ है तो हम उनको श्रद्धांजलि जब पेश करते हैं और हम सब की तरफ से हम ये सरकार से निवेदन करते हैं कि इस केस में हमको सबसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जो इंसाफ के लिए सब कैंडल मार्च निकालते हैं, जनमंत्र में उस पर जंतर मंतर पे जमा होते हैं, ये सब होता है, लेकिन उसके बाद में इंसाफ किसी को नहीं मिलता है। और इस पर हमारे साथ जावेद शाह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जावेद, महिला डॉक्टर के साथ जो घिनौनी वारदात हैदराबाद में हुई है इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है, अमरावती में भी महिलाओं ने आक्रोश जताया है, इसको लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ वहां का माहौल है, वहां के लोगों का क्या कुछ इस पर कहना है? देखिए भानु जी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या ने पूरे देश में गुस्से का माहौल कर दिया है और इसी के साथ महाराष्ट्र के अंदर भी, महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में बड़ी तादाद में महिलाएं सामूहिक जमा हुए हैं, इस्लामी जमाते हिंद और जिजाऊ ब्रिगेड करके इनकी एनजीओ है,
ये महिलाएं बड़ी तादाद में जमा होकर एसडीओ को और तहसीलदार को इन्होंने निवेदन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम, और साथ ही साथ उन्होंने मांग की है कि बलात्कारियों को या आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, ऐसी उनकी मांग रही है। जी जावेद, इस तरह की मांग जरूर महिलाओं ने की है, लेकिन क्या महिलाओं का, उन महिलाओं का क्या कुछ कहना था इन सबको लेकर, क्योंकि सरकार या पुलिस हर उस जगह नहीं पहुंच सकती है जहां इस तरह की वारदातें उस वक्त तो मौजूद हो रही हो। वहां जो लोग होते हैं इस तरह के, उनको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, लोगों को इस पर काम करने की जरूरत है, लोगों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आने की जरूरत है। जी बिल्कुल, इसी तरीके की उन महिलाओं का भी कहना रहा कि जब उन्होंने निवेदन सौंपा है, जोरदार उन्होंने घोषणाबाजी नारेबाजी की है कि आखिरकार कितने निर्भया और आसिफा, और जिस तरीके से हैदराबाद में अभी डॉक्टर रेड्डी नामक युवती का जो जिसके साथ घटना घड़ी है, इस तरीके से कितनी देश की बेटियां इस घटना की शिकार बनेंगी, आखिरकार सरकार कब महिलाओं के बारे में सोचेंगी, कब हमको सुरक्षा मिलेंगी। हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं जब हम बाहर निकलते हैं, तो हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा इन महिलाओं का कहना था। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आक्रोश, एक गुस्सा दिखाई दे रहा था। जो ऐसी घटनाएं घट रही है, जो देश के अंदर ऐसी आए दिन सुनने में आता है कि कुछ बच्चियों के साथ में, कहीं बेटियों के साथ में बलात्कार की घटनाएं घड़ी है, तो ऐसी घटनाओं को लेकर उनके अंदर एक आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। जी, क्या और भी संगठन ऐसी वारदात के खिलाफ आगे आए हैं, क्या उन्होंने भी आक्रोश जताया है मुंबई में? जी पूरे पूरे देश में, पूरे देश में ही लोग रास्तों पे उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर भी, पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर, ग्रामीण से लेके शहर में सभी जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, लोग रास्ते पे उतर रहे हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं देखी जा रही है, और सभी बाहर निकलकर अपनी आवाज बुलंद करके न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और सभी की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में ये केस को लिया जाए और उस आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जमात इस्लामी हिंद की महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा है जो हैदराबाद में महिला के साथ बेहद ही घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। उधर दौसा से महज 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित लवाड़ तहसील के हरियाणा गांव की खेड़ा की ढाणी में आजादी के 70 साल बाद भी बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचा है, जिससे लोग घरों में चिमनी जलाकर उजाला करने को मजबूर हैं। ढाणी के लोग बिजली निगम कार्यालयों के कई दशक से चक्कर लगा रहे हैं। यहां बिजली के कनेक्शन के लिए खंभे तो हैं, लेकिन इन पर करंट का तार नहीं डाला गया। वहीं इन तमाम समस्याओं को लेकर ग्रामीणों से बात की है न्यूज इंडिया संवाददाता जसवीर सिंह गुर्जर ने। तो यहां इस गांव के हालात ऐसे हैं कि अभी तक यहां बिजली नहीं पहुंची है। हरियाणा गांव है खेड़ा की ढाणी का, हरियाणा गांव के खेड़ा की ढाणी में अभी तक बिजली नहीं है। दौसा का ये गांव है जहां चिमनी की रोशनी में लोगों को काम करना पड़ता है, रात में यहां खंभे लग चुके हैं लेकिन बिजली के तार वहां नहीं पड़े हैं, जिससे कि लोगों के घरों में रात को अंधेरा रहता है। उन्हें आज के दौर में भी जो चिमनी या मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ता है। और इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दौसा से जसवीर गुर्जर जुड़े हुए हैं। जसवीर, क्या कुछ हालात हैं इस गांव के, क्यों आज तक यहां बिजली नहीं पहुंची है, क्या सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो आखिर क्यों? कि ये गांव 40 साल पहले से आबादी में है और इस ढाणी में आज तक कोई बिजली प्रशासन का आला अधिकारी नहीं पहुंच पाया, और इन्होंने कई बार फाइल अप्लाई करने के बाद भी वहां पर रिश्वत के चक्कर में कनेक्शन नहीं दिया इनको जी। और जो स्थानीय वहां का जो ऑफिस है वो इनसे महज 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो जो जयन और रयन है वो इनको ग्रामीणों को गुमराह करते हैं, फाइल जमा करवा लेते हैं
और उसके बाद बेचारों को भटका देते हैं। और उनका कहना है, उनसे जब कल बातचीत की मैंने तो उन पता चला कि इतने चक्कर काट चुके कि अब वो मतलब दोबारा ऑफिस में जाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। चलिए, लेकिन जसवीर, ये गांव इतना पिछड़ा क्यों है, इसकी इतनी उपेक्षा क्यों की गई? वोट मांगने तो हर साल यहाँ नेता आते ही होंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि आते होंगे हर बार वोट मांगने के लिए, क्या तब उनको इस गांव की समस्या दिखाई नहीं देती? जी, नेता हर बार आते हैं, सरकारें आती रहती है जाती रहती है, हर बार नया नेता आता है और हर बार आश्वासन देके चला जाता है, लेकिन इस गांव में शिक्षा का अभाव है। और मैंने आपको बता दूं कि शिक्षा का अभाव भी शायद इसी कारण से है कि दिन ढलते ही कोई बच्चा बड़ा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं युवा, वो नहीं पढ़ पाते। और शिक्षा का अभाव होने के कारण ग्रामीण इलाकों में आदमी लोग डरते हैं अधिकारियों के सामने जाने से, बोलने से, कतरा से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि दौसा के हरियाणा गांव की खेड़ा की ढाणी में आज तक बिजली नहीं पहुंचती है। लोग चिमनी की रोशनी में काम करने के लिए, छात्र चिमनी की रोशनी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार की उपेक्षा का ये क्षेत्र सरकार की उपेक्षा झेल रहा है। बिजली यहां क्यों नहीं है आज तक, ये एक बड़ा सवाल उन सरकारों पर भी है जो विकास के दावे करती हैं। उत्तराखंड के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार रहा। इस दौरान विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरता हुआ नजर आया। सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने नियम 310 के अंतर्गत सदन में महंगाई का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार महंगाई को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और उसे कम करने के लिए भी कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि इस समय राज्य में महंगाई चरम पर है और गरीब आदमी का महंगाई से बुरा हाल है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के प्रश्नों का सरकार पूरी तरीके से जवाब देगी। नियम 310 के अंतर्गत महंगाई का मुद्दा प्रतिपक्ष के विधायकों ने उठाया और आप सब, हम सब उस महंगाई से प्रभावित हैं। प्याज तो सिंबॉलिक बन गया है, हर चीज महंगी है। विपक्ष ने एक 310 में सूचना दी थी जिसे माननीय अध्यक्ष जी ने 58 में ग्राहिता पर सुनने का निर्णय लिया है, उस पर चर्चा प्रारंभ हुई है, सरकार समुचित उत्तर देगी। नोटबंदी, जीएसटी से लगाकर, रोजगार से लगाकर, किसानों की योजनाओं से लगाकर, प्याज से लगाकर, जितने भी विषय उठाए हैं विपक्ष ने, एक एक करके सबका जवाब देंगे। और विपक्ष को हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि आपके जमाने में, जब आप राज्य सरकार में थे या जब आप भारत सरकार में थे, आपने क्या क्या कदम उठाए, हमने क्या क्या कदम उठाए, तुलनात्मक उनको सारा चार्ट हम उपलब्ध कराएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जुड़े हुए हैं। गौरव, सत्र का आज पहला दिन था, बेहद हंगामेदार रहा और विपक्ष भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर काबिज दिखा, कई सवालात लेकर पहुंचा था वो। क्या कुछ सवाल आज हुए और क्या कुछ जवाब सरकार की तरफ से दिया गया, क्यों आज का सत्र हंगामेदार रहा? देखिए बहनों, अगर देखेंगे कि तो आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और पहले दिन पर सबसे पहले विपक्ष हमलावर हुआ कांग्रेस में, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या उपनेता प्रतिपक्ष करण महारा हो, सभी ने महंगाई को लेकर नियम 58 के तहत चर्चा की मांग की और जिस पर की अध्यक्ष के द्वारा अनुमति भी दी गई और लगातार प्याज पर किस तरह से परेशानियां हैं उस पर सरकार ने, मदन कौशिक ने महाराष्ट्र में जो फसल का दाम, बारिश के होने के चलते फसल खराब हुई, उस पर अपना पक्ष और चीजें रखी। और इसके अलावा दूसरी ओर अगर बात करें, भानु, गैरसैंण में गाजे बाजे के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत का प्रदर्शन जारी रहा और सदन में भी अगर बात करें तो मदन कौशिक ने इसको लेकर जवाब दिया और कहा कि गैरसैंण सरकार की प्राथमिकता है, सरकार के संकल्प में है और सरकार एक सत्र गैरसैंण में चलाएगी। ये सदन में जवाब दिया संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने। और भानु, अब जो पहला दिन है वो उसकी कार्रवाई स्थगित कर दी गई है कल 11 बजे के लिए और कल 11 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी चीजें हैं
जो इस शीतकालीन सत्र में आनी है, अनुपूरक बजट आना है, और जिस तरह से अगर बात करें सड़क से लेकर सदन तक हमलावर रहा है विपक्ष, और एक बड़ी चीज आज रही है साइन बोर्ड के मामले में, सरकार ने कहा है कि वो पुरोहितों से बात करेगी और एक जो दल है पुरोहितों का वो मंत्री धन सिंह रावत के साथ वार्ता करेगा। तो काफी सारी चीजों पर सरकार ने अपनी कोशिशें आगे की हैं। वहीं विपक्ष जो है पूरी तरीके से महंगाई का मुद्दा हो, प्याज का मुद्दा हो, गैरसैंण का मुद्दा हो, या तमाम दूसरे मुद्दे साइन बोर्ड के मुद्दे हैं, उनको लेकर पूरी तरह से हमलावर रहा। जी बान जी गौरव, तमाम ऐसे मुद्दे होंगे इस बार सरकार के सामने चुनौती भरे, जिनका जवाब उनको देना है, उनमें से प्रमुख मुद्दे कौन कौन से रहेंगे? और दूसरी तरफ जो हरीश रावत गैरसैंण में मौजूद हैं, वहां जो सांकेतिक वो धरना देने वाले हैं, इसको लेकर सरकार का क्या कुछ कहना है? क्यों इस बार गैरसैंण में सरकार ने सत्र नहीं लगाया? अगर सरकार कहती है कि ठंड पड़ रही थी, तो ठंड हर साल पड़ती है वहां। जी गौरव, संपर्क टूट गया। तो बता दें कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार सरकार के सामने चुनौती भरे होंगे इस सत्र में, चाहे वो तीर्थ पुरोहितों का मुद्दा हो, चाहे गैरसैंण में सत्र ना करवाने का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब इस सत्र में सरकार को देना है। सदन में आज महंगाई का मुद्दा छाया रहा, बेहद हंगामेदार पहला सत्र उत्तराखंड का, सत्र का पहला दिन आज रहा है। इसी के साथ 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।